दोस्तों अगर आपके भी जो है मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा, जैसे आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करने जा रहे हो तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपके भी जो है प्ले स्टोर में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, काफ़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए जो बनाते रहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, वीडियो देख कर चले जाते हो तो सब्सक्राइब अभी कर दो। चलिए वीडियो को जो है शुरू करता हूँ, आपको बताते हैं कैसे आप लोग इसको हटा सकते हो, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हो, मैं बार बार प्ले स्टोर को ओपन करूँगा तो यही आएगा, तो इसको हटाना कैसे आपको मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ गूगल प्ले स्टोर का एक नया अपडेट आ चुका है, ये जो है सभी के फ़ोन में आएगा अब से। तो ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है गूगल प्ले स्टोर आपको बोल रहा है कि अब से आपको जो है आपके प्ले स्टोर में पासवर्ड लगा के रखना है, जिससे कि आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, जिससे कि कोई दूसरा बंदा आपके फ़ोन लेके उसमें से जो है गेम वगैरह डाउनलोड ना कर पाए, कुछ भी जो है यहाँ पर परचेज़ ना कर पाए गेम वगैरह। तो इस तरीके से आपको बोल रहा है, तो इसको हटाना कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको हटाने के लिए दो ऑप्शन आपको दिए हुए नीचे, एक तो पासवर्ड का, आप लोग पासवर्ड ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको लोग डालना पड़ेगा आपको, तो आप लोग डाल दोगे तो उसके बाद आपका प्ले स्टोर ओपन खुल जाएगा। दूसरा सबसे इजी तरीका ये, आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ बायोमेट्रिक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका फिंगरप्रिंट लॉक लगा के यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आपको यूज़ बायोमेट्रिक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बोलेगा आपका फिंगरप्रिंट लॉक लगाने को, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है उस पर आपको आपकी फिंगर लगाने, जैसे आप लोग लगा दोगे तो आपका प्ले स्टोर जो है तुरंत से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए जो बनाता रहता हूँ।